कि सपने में हर व्यक्ति अपने को देखता है, तो एक तो आता जाता दिखता है कि हम वहां गए उनसे मिले, तो एक मैं आपका वो है स्वप्न पुरुष, और एक आपका मैं वो है जो सपने को देख रहा है, सपने को देखने वाला और सपने में अपने को देखने वाला। तो अपने को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि हम खड़े हैं, और जबकि सपना देखते समय तो हम पड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि यही दो मैं हो गए, एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। तो ये जो दिखने वाला मैं है यही माया है, यह स्वप्न पुरुष ही, यही अहम ने एक आकार ग्रहण कर लिया। लेकिन इस अहंकार को जो देखने वाला है, जिस अहम का साक्षी है, वह स्वयं है, वही पक्का मैं है। कच्चा मैं यह स्वप्न पुरुष और पक्का मैं उस स्वप्न को देखने वाला। इसलिए एक बड़े त्यागी तपस्वी वीतरागी वेदांती संत थे, वयोवृद्ध महात्मा थे, वे एक वाक्य में अपना संदेश देते थे। वो कहते थे कि देखो देखो देखने वाले को देखो। अच्छा, अब लेकिन एक अजीब बात है, जब सपना देखते हैं तब दिखने वाला तो दिखता है और देखने वाला नहीं दिखता, समझ में ही नहीं आता। और जैसे ही सपना समाप्त होता है, वह सपना समाप्त हुआ और सपने के हम मिटे तो देखने वाले प्रकट हो गए। बस इसी तरह जब हमारा अहम शून्य होता है तब स्वयं प्रकट हो जाता है। और अहम अजा सपने में दिखने पर भी न वो कभी था, न है, न होगा, लेकिन न उसे झूठा कह सकते हैं, ना उसे सच कह सकते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे हल्दी और चूना दोनों मिला दो तो लाली प्रकट हो जाती, लाल। अब वो लाली में ना तो झूठी है ना सच्ची है, उसमें लाली में है ही नहीं, वो तो हल्दी चूना दो के संयोग से ये तीसरा प्रकट हो गया, और वो प्रकट हो गया जो है नहीं, और दिख वैसे ही रहा है। इसी तरह जड़ और चैतन्य के संयोग से यह अहम तब प्रकट हो गया स्वप्न पुरुष की तरह। जब यह शून्य होता है तब स्वयं प्रकट होता है। यह ज्ञानी जनों की भाषा है, पर भक्त भी यही, जब भक्त का अहम शून्य हो जाता है तब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी का अहम बिल्कुल शून्य हुआ, असकय कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर, जब मौन हो गए और उस मौन की दशा में भगवान की वाणी प्रकट हो गई, कहेउ राम वियोग तव सीता मोकह सकल भये विपरीता। पर यह संभावना उसी को है जिसका अहम शून्य होता चला जाए। तो पहले छोटा तो बने, और छोटा कैसे बने, अपने को सेवक मानने से।